हेलो नमस्कार दोस्तों, मिस्टीज रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ हेल्दी एंड टेस्टी पालक के पराठे की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 150 ग्राम पालक लिए हैं। इसको मैंने धुल के साफ करके रख लिया है। दो चम्मच बेसन, एक छोटी चम्मच जीरा, एक चम्मच नमक, एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच अजवाइन, एक चम्मच गरम मसाला, एक छोटी चम्मच रेड चिली पाउडर, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर, एक मिर्ची काट के ले लिया है और धनिया, फ्रेश धनिया ले लिया थोड़ा सा, एक चम्मच तेल लेंगे हम। इसको हम मिक्सर के जार में डाल लेंगे, साथ में मिर्ची भी डाल लेंगे। और मिर्ची और पालक को हम मिक्सर में पीस लेंगे। अब हम 1 कप आटा लेंगे, उसमें धनिया डालेंगे, दो चम्मच बेसन, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर डाल रहे ना, सारे मसाले डाल देंगे इसमें। एक चम्मच तेल डाल के अच्छे से मिला लेंगे। हमारा पेस्ट तैयार है, तो उससे हम आटा गूंथेंगे। ऐसे हम पालक की प्योरी से पीसेंगे, गूंथेंगे, पानी नहीं डालेंगे। थोड़ा थोड़ा डाल के अच्छे से पीस गूंथ लेंगे इसको। ये हमारा आटा गूंथ गया है। अब हम इसे चकले में छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे। ये हमारी गोलियां बन के तैयार हो गई हैं। हमें सूखा आटा लगा के अच्छे से बेल लेंगे हल्के हाथों से। मैंने तवा गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। इसको अच्छे से बेलेंगे हल्के हाथों से। ये हमारा पराठा बेल गया, तवा भी गर्म हो गया, उसमें हम डाल देंगे और दोनों तरफ अच्छे से सेकेंगे। ये हमारा सेकने चालू हो गए हैं। हम इसमें दोनों तरफ अच्छे से तेल लगाएंगे। अब इसके साथ घी या बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमारे पराठे सेकने चालू हो गए हैं। इसको हम दबा दबा के अच्छे से सेक लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारे पालक के पराठे बन के तैयार हो गए हैं। मैंने इसे धनिया की चटनी के साथ सर्व किया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।